मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। रामनगरी अयोध्या के नंदीग्राम भरत कुंड स्थित श्री प्राचीन भरत गुफा श्री हनुमान भरत मिलन मंदिर पर नंदीग्राम महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जगह जगह बैनर के साथ साथ आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। ये महोत्सव 15 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें चित्रकूट के लिए निकली भरत यात्रा के स्वागत के साथ साथ विविध कार्यक्रम भी होंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं नंदीग्राम भरत कुंड के प्रसिद्ध व प्राचीन श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, जहां हम आपको मिलाएंगे इस कार्यक्रम के आयोजक व प्रबंधक महंत परमात्मा दास जी से और महोत्सव के उपाध्यक्ष श्री राहुल पांडे जी से व कोषाध्यक्ष श्री संपूर्णानंद तिवारी जी से। कार्यक्रम के आयोजक प्रबंधक व महंत श्री परमात्मा दास से कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया जाएगा। हाँ महाराज जी, नंदीग्राम महोत्सव कब होने वाला है और इसको लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। नंदीग्राम महोत्सव ये माने हमारे गुरु भगवान और स्वर्गीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी कृपा से ये यात्रा शुरू हुई थी। आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब श्री भरत जी भगवान श्री मणिराम दास छावनी से ये यात्रा निकलती है और ये यात्रा 5 दिन की यात्रा जो है, जहाँ जहाँ प्रभु भरत जी गए हुए थे उस जगह पर होते हुए ये यात्रा चित्रकूट को जाती है। चित्रकूट पर श्री रामचंद्र भगवान जी का मिलाप होता है और वहाँ से भगवान चरणपादुका देते हैं। उस चरणपादुका को लेकर के वो यात्रा नंदीग्राम पर आती है। नंदीग्राम महोत्सव ये सालों से हो रहा है, यहाँ पर काफी सालों से हो रहा है। महाराज जी ये बताइए कि इसको लेकर के अब तक क्या तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हैं? इसके अंदर जो है कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है। यात्रा निकलेगी, 5 कोस की परिक्रमा निकलेगी। यहाँ पर संतों का समागम है, संत सम्मेलन है, श्री राम महायज्ञ है, 1100 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यहाँ पर दीप महादीप आरती है, संतों का पूरा वो होगा। यहाँ पे कथा दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर पास पास के लोग आ रहे हैं, जो कि भी यहाँ के हों कथा व्यास लोग अपना एक एक घंटे का समय निकाल कर कथा पाठ होगा। बच्चों का कार्यक्रम होगा, स्कूली कार्यक्रम बच्चों का होगा। ये सब कार्यक्रम यहाँ रखने में आया।